नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गंगा नदी का आज हमारा सेकेंड पार्ट है। इसी तरह मैं पार्ट वाइज गंगा नदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करवा दूँगा। अगर आप स्टडी पॉइंट 6 चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी गंगा नदी के नए नए वीडियो, नए नए पार्ट आए तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चार ऑप्शन से भागीरथी, यमुना, अलकनंदा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी हैं और एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बंट जाती हैं, वे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भागीरथी व हुगली। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, कौन कौन से? एक तरफ जाती है उसे भागीरथी और दूसरी तरफ जाती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के तट पर बना हुआ है? कोलकाता किस नदी के तट पर बना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए में मिल जाती है। यहाँ पर दो रिक्त स्थान दिए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर व हुगली। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर किस नदी के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा ही पद्मा नदी कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी में मेघना नदी अथवा बराक नदी मिलती है, तो इन दोनों नदियों की मुख्य धारा मेघना नदी ही कहलाती है, अर्थात मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक नदी अथवा मेघना नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी हो जाएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुना। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरवन का डेल्टा। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती हैं तो ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरी के पेड़ से। सुंदरवन का डेल्टा जहाँ बनता है, जहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर सुंदरी के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में है पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन के डेल्टा का नाम मिला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा किन वनों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्रोव वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में बंगाल टाइगर किन वन क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं? भारत में बंगाल टाइगर किन वन क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्रोव वन। भारत में बंगाल टाइगर मैग्रोव वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका आंसर हो जाएगा यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और सोन। ये नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये दाहिनी तरफ से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी जो कि दाएं ओर से आकर मिलती हैं कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी, जो कि दाएं ओर से आकर गंगा नदी में मिल जाती है और ये कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1385 किलोमीटर है। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियाँ गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारी गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं जो कि बाएं तट से आकर मिलती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि गंगा नदी के अगले पार्ट की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।